तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पिस्ता खीर कितनी टेस्टी बनी है और क्विकली हमने इसे 15 से 20 मिनट में तैयार भी कर लिया है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी वे से बनती है और क्विक बनती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि हमारी पिस्ता खीर कैसी बनी है। वेरी यमी। आप लोग को नहीं मालूम कि आप क्या मिस कर रहे हैं, जल्दी जल्दी अपने किचन में जाइए और जल्दी से बनाइए आज की स्वीट डिश पिस्ता खीर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फरी और आप देख रहे हैं फरीज़ किचन। फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही यमी सी पिस्ता खीर की रेसिपी, जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने कितनी क्विकली बनाई है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी पिस्ता खीर की रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पिस्ता खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने एक पैकेट लिया है पिस्ता खीर का, ये लाइक आपको 45 to 50 रुपीज़ में मिल जाएगा बहुत ही इजीली। और इस पैकेट की खासियत है कि इसके अंदर सब चीज़ें अवेलेबल हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करना। सिर्फ हमें 1 किलो दूध चाहिए और ये एक पैकेट चाहिए बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिस्ता खीर बनाना। एक हम ये पैकेट लेंगे पिस्ता खीर का, ये देखिए जब हम इसे ओपन करेंगे इस तरीके का एक पैकेट निकलेगा, हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध लेकर इसे अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। अब ये जो पैकेट है पिस्ता खीर का, इसे हम थोड़ा थोड़ा सा इस मिल्क में ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूध अच्छे तरीके से बॉईल हो गया है, अब मैं इसकी फ्लेम थोड़ी लो कर दूंगी। बस इसे ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट में ये आपकी पिस्ता खीर बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगी। कोई भी आपके गेस्ट आए, आपके पास टाइम नहीं हो, फौरन आपने ये तैयार कर लेनी है 15 से 20 मिनट में, और टेंशन भी नहीं लेनी है ज़रा सी भी। तो बस हमने मिल्क पहले से बॉईल कर लिया था, हमने पिस्ता खीर का पैकेट इसमें ऐड कर दिया है और अब हम इसे अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। दूध में बॉईल आ जाए तो फिर हल्की आंच करके हम इसे रख देंगे कुक करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे तरीके से बॉईल आ रहा है पिस्ता खीर के अंदर। ये देखिए इसके अंदर इलायची वगैरह, चीनी, पिस्ते, सब कुछ इसमें मिक्स है। तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से बॉईल आ गया है। हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम करके हम लिड कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट तक हम पिस्ता खीर को लो फ्लेम पर कुक करेंगे। ये पिस्ता खीर हमारी बहुत ही अच्छी थिक सी कंसिस्टेंसी पर आ जाएगी। आपको जैसी कंसिस्टेंसी रखनी हो तो आप इस खीर की रख सकते हैं। तो हम लो फ्लेम करके इसे 10 से 15 मिनट तक कुक करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट हो गए हैं, हम अपनी पिस्ता खीर को चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पिस्ता खीर को 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था पकने के लिए। तो ये देखिए कम्प्लीटली डन हो गई है। ये थिकनेस आप अपने हिसाब से रखिएगा, जितनी आपको पसंद हो। मुझे ज़्यादा थिक पसंद नहीं है, दरमियानी पसंद है, तो मैंने अपने हिसाब से रखी है। तो अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर देती हूँ। तो ये पिस्ता खीर हमारी बिल्कुल रेडी है, अब बस मैं इसे ठंडा करके सर्व करूँगी। फ्रेंड्स, ये पिस्ता खीर एक ऐसी डिश है कि आप जब भी आपका दिल चाहे आप क्विकली इसे रेडी करके खा सकते हैं। अभी आप यकीन करेंगे रात के 4 बज रहे हैं और ऐसे ही मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरा दिल कर रहा कि मुझे कुछ मीठा खाना है। तो फिर मैंने बस फौरन ये पैकेट ला के मैंने रखा हुआ था, मैंने फौरन निकाला और इसे मैंने आपके सामने अभी क्विकली तैयार कर लिया है और अब मैं और मेरी फैमिली इसे मज़े से खाएंगे। तो ये देखिए, ये इतनी थिक है अभी, आपको जितनी थिक रखनी हो, अगर ज़्यादा आपको थिक पसंद हो तो आप 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे और छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज़ ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो अब मैं इस पिस्ता खीर को ठंडा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, मुझे इतनी थिक पसंद है। अगर आपको जिस तरह की पसंद हो आप उतना टाइम दे सकते हैं इस पिस्ता खीर को। तो ये कम्प्लीटली ठंडी हो गई है, तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर्विंग बाउल में डिश आउट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये पिस्ता खीर ऐसी तैयार होती है जैसे कि हम जब शादियों में जाते हैं नहीं खाते हैं, बिल्कुल वही टेस्ट होता है इस खीर का। तो
तो चलिए अब मैं आपको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है आप सबके लिए बहुत ही यमी सी पिस्ता खीर की रेसिपी, जो कि हमने टोटली 15 to 20 मिनट्स में रेडी कर ली है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी वे से बनानी सिखाइए। मुझे इजाज़त दीजिए, चलती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।